मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण लोकसभा संसदीय क्षेत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का संसदीय क्षेत्र है। शिवसेना के टूट होने के बाद लोकसभा क्षेत्र पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। ठाकरे गुट कौन सा उम्मीदवार देता है इस पर भी सबकी नज़रें टिकी थी। आखिरकार इंतजार खत्म हो गया और ठाकरे गुट की ओर से वैशाली दरेकर नाम घोषणा किया गया। वैशाली दरेकर नाम की घोषणा करने के बाद अब इस पर सवाल लोग उठा रहे हैं कि क्या आखिर वैशाली दरेकर डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को चुनौती दे पाएगी। वहीं दबी हुई जबान में ये भी कहा जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे के सामने वैशाली दरेकर का टिकना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार पार्टी ने ऐसा निर्णय क्यों लिया यह पार्टी जाने, लेकिन इस बारे में जब श्रीकांत शिंदे से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि यह सवाल उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से पूछिए कि उन्होंने कौन सा उम्मीदवार दिया है। जो उम्मीदवार ठाकरे गुट ने दिया है हमको चुनाव लड़ना है, जैसे चुनाव हमेशा लड़ते आए हैं वैसा चुनाव लड़ेंगे। सांसद श्रीकांत शिंदे ने क्या कुछ मीडिया से बातचीत में कहा है आपको सुनाते हैं। बड़ी बड़ी चुनिंदा नामों का आगे आ रहे थे, आदित्य ठाकरे हो गए, सुषमा अंधारे हो गए, इन लोग का नाम आ रहा था आगे कि आपके सामने तगड़ा उम्मीदवार दे दिया, मगर मनसे के कुत्ता है। मुझे लगता है कि ये सवाल जो है आपको जो है उद्धव जी को या आदित्य जी को वहाँ पर पूछना चाहिए कि कौन सा उम्मीदवार जो है यहाँ पर उन्होंने दिया है। मुझे लगता है कि अभी उबड़ा का उम्मीदवार यहाँ पर आया है विरोधी, तो जो है इलेक्शन जो है वहाँ पर लड़ना है, जैसे हमेशा इलेक्शन हम लोग लड़ते हैं वैसे इलेक्शन लड़ेंगे, तो घोषणा तो होने ही वाली थी। मुझे लगता है कि आज घोषणा जो है उबाटा की तरफ से जो है वहाँ पर उम्मीदवार की हो गई है, तो मुझे लगता नहीं उससे कुछ फ़र्क जो है हमारे चुनाव मुहिम पर कुछ पड़ेगा। जो चुनाव की तैयारी जो है हमने शुरू किए गए 10 दिनों से, लेकिन गए 10 सालों से जो है इस चुनाव क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को अपेक्षित जो है वो काम इस चुनाव क्षेत्र में जो है हुआ है। बड़े तौर पर जो है निधि जो है यहाँ पर आया है, बड़े तौर पर जो है रास्ते के काम हो, ब्रिजेस हो, रेलवे हो, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, पानी की समस्या हो, ये सब पर जो है गए 10 सालों में बड़े तौर पर काम यहाँ पर हुआ है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव जो है लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हो, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा हो, इन सब के नेतृत्व में जो है राज्य में भी हम लोग इलेक्शन जो है लड़ रहे हैं। और बड़े पैमाने पर निधि जो है यहाँ पर आया है और 10 सालों में इस कल्याण का चेहरा जो है यहाँ पर बदला है और आने वाले समय में और अच्छा काम भी इस कल्याण में हम लोग करेंगे। तो इसी विकास का मुद्दा जो है हम लोग लोगों के सामने लेके जाने का काम जो है करेंगे यहाँ पर। 2014 में और 2019 में बड़े मतों से जो है यहाँ पर कल्याण लोकसभा में महायुति का उम्मीदवार जो है लोगों ने चुनकर दिया है। 2024 में मतलब अभी जब 20 तारीख को इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड जो है फिर से जो है जनता यहाँ पर तोड़ेगी और फिर से एक बार महायुति का उम्मीदवार जो है बड़े मताधिक्यों से जो है यहाँ पर चुनकर आएगा।